गुड इवनिंग गाइस, और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस फेसबुक पेज पे और हमारे इस चैनल पर। तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और ब्यूटीफुल फूड स्टोरी लेकर के आ गए हैं। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कोबा सर्कल पे, अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में जो है वहाँ पर आ गए हैं, और हम लोग आए हैं री स्टोरी में। अनलिमिटेड मल्टी कुजीन फूड है, तो आइए चलते हैं अंदर और मैं इसके बारे में और बताता हूँ आपको। तो आइए चले अंदर। सो नाइस प्लेस, नाइस एम्बियंस, बहुत ही बढ़िया है जगह, नाइस एम्बियंस है, रिसेप्शन इज नाइस, बढ़िया से पॉट्स लगाए हुए हैं आप, यू कैन सी। तो चले अंदर और देखें अपने लिए क्या है आज, तो आइए चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बाहर बताया कि री स्टोरी जो है वो एक सब ब्रांड है रियल पेपरिका का। रियल पेपरिका अगर आपने सुना होगा तो इट इज़ अ वेरी फेमस पिज्ज़ा आउटलेट जो है वो है, तो आपने सुना ही होगा इसके बारे में। तो इसके रियल पेपरिका के ऑलमोस्ट 70 आउटलेट्स है 4 स्टेट्स में। आई थिंक इट इज़ इन गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड बिहार। तो ये 4 स्टेट में उनके 70 आउटलेट्स है, आउट ऑफ विच 28 आउटलेट्स तो सिर्फ गुजरात में ही है उनके। तो इसके सक्सेस के बाद में उन्होंने, उनके जो ओनर है, उन्होंने री स्टोरी नाम का ब्रांड किया चालू। तो रियल पेपरिका जो है वो पिज्ज़ा के, इट बेसिकली डील्स इन पिज्ज़ास, और री स्टोरी जो है वो मल्टी कुजीन है और ज़्यादातर यहाँ पे बफेज होते हैं। तो री स्टोरी का जो पहला आउटलेट है वो जाइडस हॉस्पिटल जो है उसके पास में है, और ये जो कोबा सर्कल वाला जो है वो सेकेंड आउटलेट है। तो यहाँ का बफे है बहुत ही बढ़िया बफे, मैंने सुना है। तो चलते हैं बफे पर और देखते हैं आज हमारे लिए क्या है, चलिए। तो गाइस, ये जो जगह है यहाँ पे बुफे लगता है, एंड काफ़ी सारा सीटिंग स्पेस है। इट इज़ अ वेरी नाइस, नाइसली डन इंटीरियर, और काफ़ी बढ़िया है। द एम्बियंस इज़ रियली रियली नाइस, द लाइटिंग इज़ रियली सॉफ्ट, एंड यू नो द वे आई लाइक इट, बहुत ही बढ़िया लाइटिंग है, बहुत बढ़िया इंटीरियर है, और काफ़ी सारी स्पेस है बैठने के लिए। तो वेदर इट इज़ लंच और वेदर इट्स डिनर, तो यहाँ पर आइए, और यहाँ पे जो बफे है वो काफ़ी बढ़िया होता है और काफ़ी चॉइस होता है बफे में। तो यहाँ पर आइए, एंड आई एम श्योर इट इज़ गोना बी फन फॉर यू, जैसे इट इज़ गोना बी फन फॉर अस ऑल्सो। तो चले चेक करें बफे में क्या है। सो दे से लाइफ इज़ अ बफे, और लाइफ हैज़ सो मेनी थिंग्स टू ऑफर, और उसमें से यू हैव टू पिक एंड चूज, ओके। तो ऐसे हम लोग बफे में आ गए हैं, ओके, और हम लोग बफे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी है, और लेट अस गो थ्रू द बफे और लेट अस सी व्हाट आर द ऑप्शंस, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है हमारे लिए। तो लेट्स गो एंड सी। तो वी स्टार्ट विथ सूप। तो भैया ये कौन से सूप है? टमाटो कॉर्न सूप, ओके, ये कौन सा हॉट एंड सॉफ्ट, ओके, एंड स्टार्टर्स में क्या क्या है ये जरा बताइए। वेज मंचूरियन, ओके ओके। तो पापड़ी चाट भी है, ओके। सो स्टार्टर्स के साथ में यू हैव दी पापड़ी चाट आल्सो, और बासुंदी, तो बढ़िया, दिस इज माय फेवरेट, ये मेरे स्वीट टूथ के लिए बासुंदी भी है। एंड देन यू हैव दी सैलड्स, यू हैव फुल वैरायटी ऑफ सैलड्स। ये क्या है भैया? ये हो गया आपका वो ग्रीन चिलीज। अच्छा, ग्रीन चिलीज से वो बना हुआ चटनी होता है। करेक्ट करेक्ट। जैसे कुकुम्बर, ऑनियन, टोमेटो, विनेगर ऑनियन, रशियन सलाद, ये हो गया आपका कैबेज, एंड शिमला से जो तैयार होता है उसको बोलते हैं कोल्सलो सलाद। कोल्सलो, ओके, कोल्सलो सैलड, स्प्राउटेड सलाद, कलाकंद हलवा है। तो गाइस अभी आते हैं अपने मेन कोर्स पर। तो मेन कोर्स में ये कौन सी सब्जी है भैया? ये पनीर टकाटक है। पनीर टकाटक, तो बढ़िया सब्जी है, पनीर टकाटक विद ग्रेवी। और ये वाली? अरे ये वेज कढ़ाई, ओके, ग्रेट, फैंटेस्टिक। चना मसाला, काबली चना मसाला, ये हो गया बेसन की गट्टा, ओके। और ये राजस्थान का ये फेमस डिश है, ये तो बोलता है बाटी, और ये दाल बाटी।
दाल बाटी है, वो काट के रखा है आपने? हाँ, ये काट के रखा है। ये सब खाने के बाद में डेजर्ट, दिस आर ऑल डेजर्ट, माई फेवरेट फूड। थैंक यू वेरी मच, आपने सारे डिशेस के नाम बताए हमको और बफे में क्या क्या ऑप्शंस है वो बताए। रियली ब्यूटीफुल बफे है और बहुत सारे ऑप्शंस है आपके यहाँ पे। तो अगर आपको भी ये सारे ऑप्शंस चाहिए तो आ जाइए यहाँ पे, और बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे और रियली माउथ वाटरिंग ऑप्शंस है। तो थैंक यू, आपने सारे ऑप्शंस बताए, थैंक यू वेरी मच। बहुत भूख लगी है मुझे, तो आई विल गो अहेड एंड हैव माय फूड। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच। टोमेटो सूप इज वेरी नाइस। हॉट एंड सर कैसा है आपका? वेरी टेस्टी। लेट मी हैव द वेज फिंगर्स विद द सूप। यम्मी, हेवनली। चीज बॉल, cheese is my favorite, by the way. Let me have this. Very cheesy. Absolutely cheesy. हम लोगों ने बफे में देखा काफ़ी सारे ऑप्शंस है और हम लोग ने स्टार्टर और सूप से शुरुआत की है। तो स्टार्टर में हम लोग ने ये चीज़ बॉल खाया है और वेज फिंगर खाया है। बढ़िया है, रियली नाइस, और ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं। इनका जो शुरुआत हुआ, इनका रियल पेपरिका जो नाम से, इनका जो पिज़्ज़ा आउटलेट से, इससे शुरुआत हुआ है, तो पिज़्ज़ा खाना तो बनता है इनका। सो लेट मी हैव दिस मार्गरीटा पिज़्ज़ा। Really nice, really soft and cheesy, the way I like it, lovely. तो गाइस, हमने सूप और स्टार्टर खाया पहले और काफ़ी बढ़िया था, enjoyed the starters and soup. और अभी बढ़ते हैं मेन कोर्स की ओर। तो चले, हम लोग ने कुछ चीज़ें सिलेक्ट किए, कुछ डिशेज सिलेक्ट किए जो मुझे पसंद है। तो हम लोग चलते हैं अंदर। यहाँ पे बहुत सारी जगह है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारी जगह है, और अंदर भी कुछ जगह है जो कि थोड़ी सी स्पेशल लगती है। तो हम लोग अंदर चल के खाने की शुरुआत करते हैं, तो आइए चले। तो गाइज, आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि हम लोग बैठे हुए री स्टोरी में, जो कि अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे जो है वहाँ पर, कोबा सर्कल जो है वहाँ पर आया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो ऑसम बफे है, और वो बफे की सारी जो आइटम्स हैं वो हमने यहाँ पे लाके आपके आपके लिए डिस्प्ले की है, सो दैट आपको पता चले कि यहाँ पे कितनी ऑसम आइटम्स है यहाँ पे बफे में। तो ये सारी आइटम्स हैं, और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि जब खाना आता है मेरे सामने तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और मेरे चेहरे की स्माइल देख के आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे मेरे सामने एकदम डिलीशियस खाना आ चुका है। यहाँ पे सूप्स है, स्टार्टर्स है, डेजर्ट्स है, मेन कोर्स है, उसमें राइस है, दाल है, सब्जियां है, बेक्ड मैक्रोनी विद पाइनएप्पल है, तो एवरीथिंग इज देयर, पिज्ज़ा है, ओके, एवरीथिंग इज देयर, ब्रेड बास्केट है, रोटी बास्केट है, सो एवरीथिंग इज देयर। ये बफे में एवरीथिंग इज देयर। तो अगर आपको भी ये इसका मजा लेना है तो आ जाइए यहाँ पे रीस्टोरी में, जो कि कोबा सर्कल पे है, और कोबा सर्कल जो है वो अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे पर आया हुआ है, तो जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं अभी। और सिंस अभी खाना आ गया है मेरे सामने, तो मैं खाने की शुरुआत करता हूँ। मैं खाने की शुरुआत जो करता हूँ वो मेरी जो फेवरेट डिश है, बेक्ड मैक्रोनी, उससे करता हूँ। तो लेट मी हैव इट। ये मुझे हार्ड पार्ट जो है वो काफ़ी पसंद है, लेट मी हैव इट। ऑसम। Why don't you also start? Yeah, I'll also start. So I'll have some dessert. ये शाही कलाकंद हलवा जो है वो है। तो let me taste. So guys, ये है शाही कलाकंद हलवा। Why don't you also taste? Yeah, let me try.
रियली नाइस, रियली ऑसम। तो डेजर्ट में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। तो डेजर्ट में बासुंदी भी है, तो लेट मी टेस्ट द बासुंदी ऑल्सो। काफ़ी बढ़िया है, पनीर टकाटक लूंगा। लेट मी हैव सम। रोटी के साथ में खाऊंगा मैं पनीर टकाटक। बढ़िया है काफी, पनीर इज रियली सॉफ्ट। तो गाइस हम लोगों ने काफी ये सारी जो डिशेस है जो बफे में है मिलती है यहाँ पर, और ऑसम चॉइस है, वेरी नाइस चॉइस, मज़ा आ गया खाने का। और डेजर्ट्स भी हम लोगों ने ट्राई किए, और ये जो डेजर्ट है ये मैं ट्राई करता हूँ। ये कपकेक है, पेस्ट्री है। रियली ऑसम। तो ऑन दिस स्वीट नोट वी कम टू एन एंड टू ऑफ दिस वीडियो। तो रियली मज़ा आ गया। तो बिफोर वी एंड द वीडियो मैं आपको बता दूं कि हम लोग बैठे हैं री स्टोरी में, जो कि कोबा सर्कल अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे पर आया हुआ है, और यहाँ पे मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है और बफे मिलता है यहाँ पे। तो बफे इज रियली ऑसम। और मैं जाने से पहले आपको बफे का प्राइस बता दूं, यहाँ पे लंच और डिनर दोनों मिलता है। तो लंच में एडल्ट्स के लिए बफे का प्राइस है 325 से कम होके अभी स्पेशल ऑफर में 270 में है, और किड्स के लिए 225 है और स्पेशल ऑफर में 200 के लिए। और सेम चीज़ डिनर में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे थोड़ी आइटम्स ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे एडल्ट के लिए 370 है जो कि स्पेशल प्राइस में 320 है, और किड्स के लिए 275 है जो कि स्पेशल प्राइस में 250 है। तो दिस इज़ अ स्पेशल प्राइस। ये रेस्टोरेंट जो है वो कंपैरेटिवली नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने ये स्पेशल प्राइस रखा है। और ये स्पेशल प्राइस में आपको मिलती है इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और ये ऑप्शंस हम लोगों ने टेस्ट किए और हमको तो बहुत ही बढ़िया लगे। वी रियली लव्ड इट, वी रियली एन्जॉयड इट। और आपको बता दें कि हम लोग आपके लिए ऐसी ही बढ़िया बढ़िया फूड स्टोरीज विल कीप ऑन ब्रिंगिंग फॉर यू। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।